दलों के दलदल से निकलकर हर शख्स के दिल तक पहुंचता है। हम हैं द पंचोरा न्यूज़, आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। कन्नौज के सौरिक नगर में स्थित मदरसे का निरीक्षण करने मदरसा परिषद के सदस्य अजमल हुसैन जैदी पहुंचे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दे रही है। मदरसों में छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए बोर्ड द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा कई मदरसों को चिन्हित कर उन्हें मिनी आईटीआई का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है। आज जो हमारे एडिड मदरसे हैं, इनका देखना कि इनके फैकल्टी है, कमरे हैं नहीं हैं, और ये मॉडर्न एजुकेशन जो प्रधानमंत्री का नारा है, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, सबका साथ सबका विकास, तो हम चाहते हैं कि दीन के साथ में दुनियावी तालीम, मॉडर्न एजुकेशन में दुनियावी तालीम होगी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक की योजनाएं उस्ताद स्कीम, जो मुसलमानों का ट्रेडिशनल वर्क है, दरदोजी, कारचोबी और ढेर सारे चूड़ी, पीतल नगरी में, मुरादाबाद में, इस तरीके का हम चाहते हैं कि मिनी आईटीआई स्थापित करके जो मुसलमान हैं उन्हें मिनी एडिट मदरसे, उन्हें मिनी आईटीआई डेवलप करके, ताकि जो ट्रेडिशनल वर्क है, कालीन बैदोई की, बनारस की साड़ी, ये ख़त्म नहीं हो। और ये उस्ताद स्कीम के तहत हम चाहते हैं मुस्लिम समुदाय को, और खुसूसी तौर से उस्ताद स्कीम में जो मदरसे के में है उनको डेवलप कर सकें। मदरसा परिषद के सदस्य अजमल हुसैन जैदी ने कहा कि ऐसे मदरसे जो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, जमीनी स्तर पर ना तो कोई विद्यालय है ना ही मदरसे, ऐसों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार मदरसों को आधुनिक कर उनका विस्तार किया जाएगा तथा बच्चों को उनके मन के अनुसार हुनर भी सिखाए जाएंगे। उन्होंने मदरसे में पहुंचकर अव्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मदरसा बोर्ड के सदस्य का स्वागत नगर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष शीलू नकवी ने किया। उन्होंने शॉल उड़ाकर व माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। द पंचोरा न्यूज के लिए सॉरी कन्नौज से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचोरा न्यूज़ के साथ।